अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है असलामों के मानी और उसके ख़वास। इसके मानी हैं सलामत और बेऐब ज़ात। अभी हम इसके ख़वास की तरफ जाएंगे, जो इसकी खसूसियात हैं। जो हमेशा सुबह की नमाज के बाद 1000 बार इस इस्म को पढ़ेगा, उसका इल्म ज़्यादा होगा। अगर कोई इस इस्म को 131 बार या 161 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करे तो बीमार सेहत पाएगा। जो इस इस्म को कसरत से पढ़ें या लिख कर अपने पास रखें तो वो दुश्मन से बेखौफ रहेंगे। बीमार या खाइफ अगर 111 बार पढ़ कर दम करे तो बीमारी और खौफ से महफूज रहेगा। ये इस्म मुबारक 690 बार शीरीनी पर लिख कर पढ़ कर दुश्मन को खिलाए, दुश्मन मेहरबान हो जाएगा। अगर कोई 121 बार ये इस्म मुबारक और सलामुन कॉलम में रब्बे रहीम किसी मरीज पर पढ़े तो शफा पाएगा या कम अज़ कम मरीज़ में तखफीफ हो जाएगी। सातवें नंबर पर हमारे पास है, कोई शख्स मरीज़ के पास उसके सरहाने बैठकर दोनों हाथ उठाकर ये इस्म 136 बार इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े कि मरीज़ सुन ले तो इंशाल्लाह ताला शफा पाएगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 15 मरतबा अल्लाहुम्मा या सलामो सल्लिम पढ़ना हर तरह की सलामती के लिए मुफीद है। जो कोई कसरत से इस इसमें मुबारक को पढ़ता रहेगा, इंशाल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। और 10वें नंबर पर हमारे पास है, जो कोई 115 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ कर बीमार पर दम करेगा, अल्लाह ताला उसको सेहत और शिफा अता फरमाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।